कंटिन्यू फूड पर आपका स्वागत है। आज यह ना केवल मजेदार होगा बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा, क्योंकि एक ज्यामितीय चुनौती आपका इंतजार कर रही है। हमारे साथ बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। यह सही नहीं है, मेरे पास यह बदबूदार चीज और तुम्हारे पास स्वादिष्ट ट्रीट। मुझे भी कुछ स्वादिष्ट चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या स्वादिष्ट है और क्या नहीं, मुख्य बात है कि हम सभी एक ही समय में खाएंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह। यह कहना तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हारे पास डोनट और वॉफल है। मेरे चीज से इतनी बदबू आ रही है कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल सकती। मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। यह दिखता भी खराब है। तुम जितनी चाहे शिकायत कर लो, लेकिन तुम्हें फिर भी यह खाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे खा लूंगी। आखिर तुम्हारी तरह दोस्त जो है मेरे पास। यह डोनट बहुत स्वादिष्ट है, मैं एक और ले सकती हूँ। मैं भी, वॉफल मुझे बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुम लोग अपने ट्रीट के मजे ले रहे हो। काश मैं भी यह कर पाती। यह अच्छी बात है कि हम लोग भाग्यशाली निकले। पर तुम चिंता मत करो एमा, शायद अगले दौर में तुम भाग्यशाली निकलो। वाह, हमारे पास कितने अच्छे केक हैं। यह अच्छी बात है कि हम सब भाग्यशाली निकले, पर मैं इसमें थोड़ा और सुधार करना चाहता हूँ। बस थोड़े से काम से मैं इसे पाक कला की मास्टरपीस बना सकता हूँ। और तुम वह कैसे करोगे? बहुत आसान है, यह स्वादिष्ट लिक्विड सिरप इसमें मेरी मदद करेगी। एक का स्वाद किटकैट की तरह है और दूसरे का बाउंटी की तरह। और इसके अलावा मेरे पास अच्छे रंगीन स्प्रिंकल्स भी है जो कि काफी स्वादिष्ट है। मुझे शुभकामनाएं दो। वाह, यह सच में काफी सुंदर है। हाँ बिल्कुल सुंदर है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन यह और अधिक सुंदर होगा जब मैं और अधिक स्प्रिंकल डालूंगा। यह कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस तरह से और भी बेहतर है। ऐसे केक खाकर को तुम बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे। हाँ यह बहुत ज्यादा हो गया। ओह, तुम लोग कुछ नहीं समझते। जब तक तुम लोग मेरे केक की बुराई कर रहे हो, तब तक मैं इसके मजे लेता हूँ। कम से कम थोड़ा सावधानी से तो खाओ। हाँ जैक, तुम्हें स्पष्ट रूप से तौर तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं है। तौर तरीके की किसे पड़ी है, जब सामने इतनी स्वादिष्ट केक रखी हो और एक मिनट में अपना चेहरा पोंछ सकते हैं। वैसे मेरा हो गया, मेरा पूरा पेट भर गया। एमा, अब तुम्हारी बारी है खाने की। खाने से पहले मैं इस केक का एक फोटो लेना चाहती हूँ, नहीं तो बाद में मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या? मेरा केक कहाँ गया? मैंने उसे छुआ भी नहीं है। तुम बिना केक के ही रह गई, पर मेरे पास अभी भी मेरा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा केक नहीं ले सकती? यह एक दो तीन गिनने जितना आसान है। और पलक झपकते ही सूजी गायब और यह केक मेरा हो गया। यह तुमने कैसे किया? इस तरह का कैमरा जीवन में बहुत मददगार हो सकता है, जैसे कि स्वादिष्ट केक पाने के लिए। सूजी का केक वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। जब तक तुम खा रही हो, मैं सूजी को वापस ले आता हूँ। ये अच्छी बात नहीं कि हम उसे तस्वीरों में छोड़ दे। मुझे क्या हुआ था? हे एमा, तुमने यह क्या किया था? और तुमने मेरा केक भी चुरा लिया। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मजा चखना होगा। चलो देखती हूँ कि तुम्हें अपने सिर पर यह केक पसंद आता है या नहीं। क्या सूजी, तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छी लग रही हो एमा, हाई फाइव। मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? फिर से तुम्हारे पास अच्छे ट्रीट हैं और मेरे पास नहीं। तरबूज बुरा नहीं है, पर पहले मुझे सारे बीज हटाने होंगे। और मेरे पास एक स्टिक पर आइसक्रीम है और यह बहुत स्वादिष्ट है। यह बहुत तीखी है, मुझे कुछ ठंडी चीज दो। एमा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास पूरी मिर्च है, इसलिए मेरी आइसक्रीम को देखो भी मत। तुम अपनी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आइसक्रीम चाहिए। और मैं अपना तरबूज भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं खुश हूँ कि मैं एमा से दूर बैठी हूँ। यह असंभव है, कैसे मैं ये मिर्च बिना आइसक्रीम के खा सकती हूँ? बस रुक जाओ एमा, अब एक बार भी आइसक्रीम छूकर देखो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस यहाँ बैठ कर जलती हूँ। ओह,
आइसक्रीम मुझे जमा सकता है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहता। तुम दोनों को कोई ना कोई समस्या है, बस मैं ही हूँ जिसका सब ठीक है। ये तरबूज बहुत स्वादिष्ट है और एकदम हानि रहित। लेकिन मैंने पहले सब खा लिया, देखो। ओह, मेरा सिर। हाँ, पहले खा तो लिया, पर इससे पूरा दिमाग जम गया। बस बहुत हो गया और मुझे लगता है कि मेरा पेट जल गया है। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं था। अरे वाह, मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना मेरा इंतजार कर रहा है। यह क्या है, बर्फ का टुकड़ा? और वास्तव में मैं केवल भाग्यशाली निकली। यह प्यारी कुकी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि कौन सा? बेशक, ओरियो। और क्या तुमने कभी त्रिकोणीय ओरियो देखा है? और यह बहुत बड़ा भी है। यह तो सभी जानते हैं कि ओरियो को दूध के साथ खाया जाता है। यह अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत सारे हैं, पर एक समस्या है। मेरी कुकी बहुत बड़ी है और यह इस ग्लास में फिट नहीं हो रही है। पर कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लूंगी। पर पहले मैं इसे थोड़ा चखना चाहती हूँ। यह कमाल का है। और साथ ही मैं एक टुकड़ा तोड़कर दूध में डाल देती हूँ। मैं जीनियस हूँ। जैक, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो नहीं तो बर्फ पिघल जाएगी। बिल्कुल, पर पता नहीं मैं इस बर्फ का क्या करूं। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक आड़ी चाहिए। ध्यान से करो। मैं हमेशा सावधान रहता हूं। मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बर्फ के अंदर मेरा क्या इंतजार कर रहा है। सब कुछ उड़कर हमारे चेहरे पर आ रहा है, पर एक सुंदर सरप्राइज यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। ये एक विशाल स्किटल्स है। धन्यवाद, यह गोल है, सही कह रही हूँ ना? तो फिर यह मेरा हुआ। नहीं, और मुझे इस बेस्वाद बर्फ को चबाना होगा। यह बहुत कड़ा है। जब तक तुम यह बर्फ खा रहे हो, तब तक मैं इसे स्वादिष्ट स्किटल्स के मजे लेती हूँ। नहीं, यह मुझे दे दो, यह मेरे लिए है। वाह, मैंने कभी कैंडी को आसमान से गिरते हुए नहीं देखा है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, फिर गलती किसकी है? खैर, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुमने क्या किया है। मैं बदला लेकर रहूंगा। क्या तुम्हें तीखे मस्टर्ड पसंद है? बेशक नहीं होंगे, तुम्हें यह मिलेगा। फिर तुमने क्या किया? अब मैं इसे कैसे खा पाऊंगी? अब यह बहुत तीखा हो गया है। बिल्कुल, इसे खाना असंभव है। अब सूजी स्टीम इंजन की तरह धुआं छोड़ रही है। आखिरकार मैं कुछ स्वादिष्ट खा सकती हूँ। और मेरे पास सूखे नूडल्स हैं। मुझे यह पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं होगा, पर सभी को टॉर्टिया चिप्स काफी पसंद होते हैं, मुझे भी। ये बहुत कड़ा है। इस दौर में मैं किस्मत वाला नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, मुझे ये इतना अच्छा बर्गर मिला है। यह बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि यह मैकडॉनल्ड का है। मुझे ठीक से कुछ सोचना होगा, शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ तो इसे खाने में सुविधा होगी। साथ बुरा हुआ एंडी, मुझे तो अपना बर्गर खाने में बहुत मजा आ रहा है। हुरे, मैंने सबसे पहले सब कुछ खा लिया, इसलिए मैं जीत गई। मैं सबसे अच्छी हूँ। आप मल्टीडू फूड पर ऐसे ही और भी मजेदार चुनौतियों को पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।